लिए ऊपर कमरे में है ना? रात में कमरे में आ जाना। वैसे हेलो फ्रेंड, लेके आ गए एक और वेब सीरीज के साथ जाने अनजाने में पार्ट टू का एपिसोड नंबर टू। यहाँ पर होता क्या है कि अब जो चाचा है और चाची के बीच जो है रोमांस चलता रहता है, संभोग बहुत खतरनाक तरीके से चलता है। एक रात का मौका है, एक रात का जो मौका का आनंद उठा ले वो मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे एक बार अगर किसी की शादी हो जाती है और सुहागरात का एक ही रात मिलती है उस बंदे को बेचारे को, तो उस पर क्या बीतेगी, फिर तो वो धमाधम तरीके से टूट पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी वो टूट पड़ता है लपक लपक के, और लपक लपक के टूट पड़ता है। अब आते हैं कहानी में ट्विस्ट के साथ। यहाँ पर अब वो बोल देता है हैदराबाद मुझे निकलना है अब, तो वो बोलता है चाचा कि ठीक है जाओ, कोई टेंशन नहीं, और मेरा ख्याल रखने के लिए ये सब है ना। अच्छा हाँ, ऐसी गुणवान बहू पाके तो मैं पूरी गंगा नहा लूँ। अच्छा गंगा नहीं, तू तो इसमें भी नहा लिया है बेटा, ये तो मैं जानता हूँ कि इसमें नहाया, ये भी मैं जानता हूँ। पर चाचा ये भी कमाल का यार, और यहाँ पे जो उसका ससुर है वो तो ज़्यादा ही कमाल का है, वो तो बस चाची को चाहता है एक नंबर तरीके से, और एक नंबर तरीके से चाची से प्यार में डूबा रहता है हर टाइम। तो वो चाची को लास्ट में बोल देता है कि एक काम करना, ऊपर मेरे कमरे में चाय लेके आ जाओ। अब वो चाय लेके उसके कमरे में जाती है ससुर के, पर ससुर उसको कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो कुछ करने ही नहीं देती है। वो बोलते स्वप्निल है बाहर, संडे है आज, स्वप्निल अन्य ही है, तो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। और बाद में लास्ट में एक पॉइंट बोल के चली जाती है कि रात को कमरे में आ जाना। और ये बात सुन के ससुर की दिल और दिमाग में गुदगुदी चलने लगती है, और हर जगह वही चीज़ दिखती है उसको, हर जगह हर मौसम हर पल वही चीज़ देखने लगती है। उसको आनंद और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके आनंद में बहुत ही सारा कमाल की चीज़ें होने लगती है। कि अब जब उसने ऐसा बोल दिया कि बस आ जाओ तुम, तो यही इस एपिसोड टू एंड करते हैं।